सबसे पहले करना क्या ना कि जब भी लैंडिंग खोलना है तो कार को देखना है कि ऐसे प्लेस पे खड़ा हो जहाँ से आप आसानी से इसमें कार्टो पे चला जाए, इतना पे नहीं करना है, इतना हाइट पे नहीं। और उससे जाने से पहले सबसे पहले अगर आपने कहा लैंडिंग खोल दिया, सेफ्टी चेक करना कि सेफ्टी कटी कि नहीं कटी। अगर सेफ्टी नहीं कटी है ना, लैंडिंग चेक करना आपको पहले सेफ्टी कटी कि नहीं कटी। और उससे बाद जाने से पहले स्टॉप बटन लगाना है, उसके बाद देखना कि पूरी सेफ्टी कटी पूरी कट गया, उसके बाद कार्टो पे आराम से जाना है। उसके बाद सेफेस्ट लेवल होता है ना, जहाँ पे सेफ फील करेगा, जहाँ पे सेफ फील करना है, जहाँ से तरह कहीं कोई पार्ट है ना टकरा ही नहीं कहीं पे, वहाँ पे ना खड़ा होना है सेफली। उसके बाद आराम से, उसके बाद देखना है कि अब सेफ हो गया, यहाँ से कोई पार्ट तुम्हारा टकराएगा नहीं, सारी बॉडी का पार्ट है इनसाइड ही रखना है। उसके बाद में इसको चलाना है, जब भी चलाना है, जब चल रहा है ना हट कर उधर रोटेशन। और उसके बाद सेकेंड चीज़, कभी कभी क्या होता ना कि जैसे हमें लिमिट या कोई भी, जैसे ये रोटेशन पार्ट है और तू स्टेशनरी पार्ट पे काम करेगा तो स्टॉप लगा के ही काम करना है। और काम कंप्लीट होने के बाद सेफेस्ट लेवल पे खड़ा होके, जहाँ सेफ प्लेस है काटा पे, वहाँ पे खड़ा होके उसके बाद सेफ्टी को हटाना है, स्टॉप बटन हटाना है, उसके बाद लिफ्ट को चलाना है। ऐसे नहीं नॉर्मल, नहीं तो पता ही नहीं वो एक मिस्टेक कितना खतरनाक होता है लिफ्ट के अंदर। तो ये सेफेस्ट चीज़ को देखना है। उसके बाद आप बाहर भी निकलना है तो सेफ्टी लगाना है, क्योंकि इनकेस ना अगर स्टॉप नहीं लगा हुआ है, अगर रुकी लिफ्ट निकला बाहर, अगर लिफ्ट नॉर्मल हो गई तो ये चल देगी तो एक्सीडेंट होने का चांस है। तो स्टॉप लगाया उसके बाद आराम से ना बाहर आना है। उसके बाद ना उसको सेफ्टीज को हटाना है, उसके बाद लैंडिंग बंद करके लिफ्ट को नॉर्मल छोड़ देना है। ठीक है, ये चीज़ देखना, ध्यान रखना हमेशा।